अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय 38वां प्रांत अधिवेशन गुप्तगंगा कांगड़ा में संपन्न हुआ। विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस अधिवेशन में प्रदेश भर की 81 इकाइयों से 601 छात्र छात्राएं व प्राध्यापकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री KN रघुनंदन, उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री नवीन शर्मा व ABBP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। ABBP की प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने कहा कि अधिवेशन के पहले दिन प्रदर्शनी उद्घाटन हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश की साल भर की गतिविधियों व आंदोलन की झलक व हिमाचल की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। ठाकुर ने बताया कि इस अधिवेशन में एक शोभा यात्रा भी कांगड़ा बाजार से निकाली गई तथा खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य पर प्रस्ताव भी पारित किए गए। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई और आगामी योजना बनाई गई। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 38वां प्रांत अधिवेशन जो है गुप्त गंगा कांगड़ा में संपन्न हुआ और इसमें जो था मुख्य अतिथि के रूप में गैरी डोलमा जी, पूर्व गृह मंत्री निर्वासित तिब्बत सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जो है कविता ठाकुर जी, और मुख्य वक्ता के रूप में जो है विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री KN रघुनंदन जी जो है उपस्थित रहे। और इस अधिवेशन में जो है प्रांत भर से सभी कॉलेजों के लगभग 601 कार्यकर्ताओं ने जो है भाग लिया। इस अधिवेशन में जो है विद्यार्थी परिषद ने जो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में शैक्षणिक परिदृश्य है, जिसमें आप रूसा के अंतर्गत जो सेमेस्टर सिस्टम देख सकते हैं, उसके किस तरह से जो है छात्र के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरह से छात्र संघ चुनाव जो है बंद किए गए हैं, एक जो छात्रों को प्रतिनिधित्व हर चीज में मिलता था उसको किस तरह से प्रदेश में बंद किया गया, तो इसकी बहाली की मांग भी विद्यार्थी परिषद ने इस अधिवेशन के माध्यम से की है। 16-17-18 के लिए जो है कार्यकारिणी की घोषणा भी इस अधिवेशन में हुई। हेमा ठाकुर ने प्रदेश में नवगठित भाजपा सरकार को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल्द ही विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलेगा और सरकार से रुसा प्रणाली को पूरी तरह से हटाने व प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की बहाली का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे व प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाने की मांग की जाएगी। ABBP की प्रांत मंत्री ने बताया कि ABBP पहले ही इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करता रहा है और यदि वर्तमान सरकार भी ABBP की मांगों को पूरा नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। रहने वाली है कि सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश में नवनिर्वाचित सरकार को शुभकामनाएं देती है। जल्द ही विद्यार्थी परिषद का डेलीगेशन जो है अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से मिलेगा और इसमें हम रूसा सिस्टम को पूरी तरह से हटाने की मांग करेंगे तथा छात्र संघ चुनावों की बहाली जो है विद्यार्थी परिषद का मेन वो रहेगा और साथ ही जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार प्रदान किया जाए और जो है एक नई शिक्षा नीति जो है पूरे प्रदेश में लागू की जाए, ऐसी मांग विद्यार्थी परिषद वहां पर। विद्यार्थी परिषद पहले से ही इन सब चीजों के लिए आंदोलनरत रही है, अगर वर्तमान प्रदेश सरकार भी ऐसा करती तो विद्यार्थी परिषद निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन जो है प्रदेश में उनके खिलाफ खड़ा करेगी।